आशुतोष, आपको लगता है आगे कभी संसद में प्रश्नकाल नहीं होगा? क्योंकि कोरोना में नहीं हुआ तो आगे के लिए भी खत्म हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी को तो लगता है अगर मोदी दोबारा जीत गए तो फिर कभी चुनाव भी नहीं होगा देश में। कई नेता ऐसी बातें कह चुके हैं। ऐसा ऐसा कहने वाले बहुत सारे लोग हैं। मैं अभी भी, मुझे इस देश के लोकतंत्र पूरा यकीन है, इस देश के संविधान में यकीन है, और मैं मानने को तैयार नहीं कि बीजेपी को संविधान में यकीन नहीं है। तो मैं ये नहीं मान सकता कि मोदी जी के आने के बाद दोबारा तिबारा चौबारा आते तो देश के अंदर चुनाव नहीं होगा। मैं मानता हूं कि चुनाव होगा। जहां तक प्रश्नकाल का सवाल है, अगर ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है तो चलो इसको मान लिया जाना चाहिए, लेकिन अगर ये परंपरा बन जाती है तो बहुत बहुत दुखद है। हालांकि मेरा अभी भी यह मानना यह है कि प्रश्नकाल को अगर सरकार या स्पीकर महोदय अगर रखते तो इसमें कोई कुछ भी हानि होने वाली नहीं थी। 4 घंटे की जगह आप 5 घंटे कर सकते थे, 20 सवाल की जगह आप 10 सवाल कर सकते थे, और 1 घंटे की जगह आप आधे घंटे भी कर सकते थे। सुधांशु जी, थोड़ा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी वो तर्क करने लगते हैं और मुझे लगता है कि उनको भी प्रश्नकाल खुला है। आप कहिए यहाँ पर खुल के। और मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि काश अगर आज अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी अगर संसद के अंदर होते तो भी क्या प्रश्नकाल नहीं होता? अपने आप ही जी, जब लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उनको कौन सा आपने बख्श दिया था? तब आप कहते थे कि नहीं ये खराब है। अब मोदी आ गए तो वो अच्छे लगने लगे। मोदी के बाद आएगा तो शायद आप कहने लगेंगे नहीं मोदी बड़े अच्छे थे। ऐसा तो नहीं है सर? मैंने तो ना तो सोनिया गांधी को बख्शा है, ना मनमोहन सिंह को बख्शा है, ना राहुल गांधी, ना प्रियंका गांधी को बख्शा है। इसका फैसला तो हम जनता पे छोड़ देते हैं सर। इसका फैसला हम जनता पे छोड़ देते हैं सर। आपने किसको बख्शा और किसको नहीं बख्शा, इसका फैसला जनता पे छोड़ देते हैं। ये बहस का मुद्दा नहीं है। सवाल यह है कि संसदीय परंपरा का निर्वहन होना चाहिए, और संसदीय परंपरा के अंतर्गत जो सवाल पूछना है, जो प्रश्नकाल है, ये बहुत जरूरी है, इसका होना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए। फिर मैं बोलता हूँ, संसदीय परंपरा व्यवस्था की बात कही, अवैध जी ने स्वयं ही स्वीकार कर लिया कि सिर्फ तारांकित प्रश्नों को ओरल जवाब देना होता है। सदन में खड़े होकर मंत्री को अतारांकित प्रश्नों का लिखित में जवाब जाता है। तो बहुत साफ हो गया ना कि केवल आप उन प्रश्नों की बात कर रहे हैं। और रही बात, इस समय आपका अधिकार है, बताइए इस समय खुले में घूमने का अधिकार है? बगैर मुंह पे मास्क रख के बैठने का अधिकार है? किसी व्यक्ति के बगल में बैठने का अधिकार है? सामूहिक भोज करने का अधिकार है? सिनेमा में जाने का अधिकार है? संसद में आप बैठ जाने का अधिकार है? रैली करने का अधिकार है? बताइए ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब इस प्रकार की बात करते हैं तो हमारे मित्र आशुतोष जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही बात कही, परंतु जो लोग अब इतने सारे अधिकार, आज श्रृंखला गिनाई जा सकती है कि जो सब मूलभूत अधिकार है वो नहीं है। आज आप पे कोई अस्पृश्यता का आरोप, वरना कोई कहता हमको छूने नहीं दे रहे, मेरे ऊपर छुआछूत का एक्ट लगा दो, आज नहीं लगा सकते ना। तो इस ऐसी परिस्थितियों के बाद यदि कोई व्यक्ति यह बात कहे जो सामान्य परिस्थितियों में होनी चाहिए, जबकि पुनः मैं कह रहा हूं रिटर्न में सारे उत्तर मिलेंगे, आपने खुद कहा अतारांकित के रिटर्न में ही मिलते हैं, तो फिर मैं मानता हूं कि यह कांग्रेस की नैसर्गिक परंपरा जो हर मुद्दे के ऊपर कोई ना कोई बवाल उसके अनुसार ही दिखाई पड़ रही है। इतना मौका तो दे देते ना विपक्ष को कि संसद में खड़े होके वो सामने प्रधानमंत्री से या रक्षा मंत्री से या गृह मंत्री से ये पूछ सकते कि दो लाइन में बता दीजिए चीन हमारे देश के अंदर घुस आया है या नहीं घुसा है, और अगर घुसा है तो कहां तक घुसा है। इतना तो पूछने का अधिकार दे देते कि देश की जीडीपी जो माइनस में चली गई है 23.9 तक, जिस पर आप खुद मुहर लगा रहे हैं, उसको वापस उठाने के लिए आपने कितने साल की योजना बनाई और उसके क्या क्या चरण है, ये चीजें पूछने का एक मौका तो दे देते संसद को। हाँ जनाब, आपने बहुत अच्छा सवाल। आज की परिस्थिति में सेना कहां तक आई है, इस बारे में सेना जवाब दे चुकी कि ना कोई अतिक्रमण हुआ ना कोई पोस्ट है। हाँ, अगर इनको हमारी सरकार और सेना के ऊपर भरोसा नहीं है तो चीन की सरकार कह चुकी है कि हम उसके एरिया में घुस गए पहली बार 71 साल, चलो उसमें भी नहीं। और रही बात जीडीपी की, तो मैंने तो आपसे कहा ना दुनिया के सारे देशों की जीडीपी नीचे, G7 टॉप मोस्ट 7 इकोनॉमी सबकी जीडीपी नीचे है। तो आज की डेट में कोई तथ्यात्मक उत्तर देने की स्थिति में नहीं है कि यह समस्या का कब समाधान होगा। WHO ने कहा है कि यदि वैक्सीन नहीं निकली 2 साल तक यह स्थिति रह सकती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं वैक्सीन की डेट नहीं पूछ रहा था, वैक्सीन कब देंगे, मैं तो अर्थव्यवस्था का वैक्सीन पूछ रहा था आपसे, कोरोना का नहीं पूछ रहा हूं। मैं अर्थव्यवस्था की तो बात कह रहा हूं ना, ये सारी अर्थव्यवस्था कोरोना की वजह से ना, मैंने कहा सारे विश्व के 7 सबसे बेहतरीन अर्थव्यवस्थाएं सब निगेटिव। मतलब देश की सरकार ये मानती है कि उसके पास फिलहाल कोई इलाज नहीं है अर्थव्यवस्था का, जब तक कोरोना का इलाज नहीं मिल जाता दुनिया को। देखिए, जब तक इस परिस्थिति के अंदर से कोई समाधान नहीं निकलता, मैं पूछना चाहता हूं क्या इनमें कौन कोई वैज्ञानिक है, कोई अर्थशास्त्री है जो बता दे कि परिस्थिति क्या क्या टर्न होगा अगले 3 महीने के बाद।
तो निर्णय हो सकता है। विश्व में जब से 200-250 सालों से जीडीपी का डॉक्यूमेंटेशन है, तब से कभी ऐसा उदाहरण नहीं है कि सारे प्रमुख देशों की जीडीपी निगेटिव में गई। ठीक, अगर किसी को पता हो तो बता दे। रोहित जी, समय खत्म हो गया आशुतोष जी, 30 सेकंड के बाद आखिरी आशुतोष जी। मैं फिर इसको कहना चाहता हूँ, दरअसल सुधांशु जी बात को घुमाने में बड़े एक्सपर्ट है। चाइना की जीडीपी प्लस में है, वियतनाम की जीडीपी प्लस में है, तो ये ना कहें कि प्रमुख जीडीपी जो है दुनिया के सारी नेगेटिव में है। मैं सुधांशु जी से उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो जो है वो इस तरीके की बातें करेंगे। अमेरिका G7 की जीडीपी जरूर नेगेटिव है, लेकिन चाइना वियतनाम दो ऐसे देश है जिनकी जीडीपी प्लस में है।